अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असम कृषि टीवी चैनल पर आप सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, क्योंकि दोस्तों जिसके पास रैबिट रहता है या कोई पेट एनिमल्स रहता है उसका मूड कभी ऑफ नहीं हो सकता है। खैर मेन मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, आप सबको पता है मैं रोज़ संडे संडे कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। वैसे आज भी संडे है तो बहुत सारे लोग मुझे रैबिट के बारे में, गिनी पिग के बारे में क्वेश्चंस किया है, जिस क्वेश्चंस का आंसर मैं देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आपके पास रैबिट है। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस क्या है वो क्या है, रैबिट द रैबिट, रैबिट्स वर्ल्ड का सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल एनिमल होता है। देखिए तो हाँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ क्योंकि रैबिट बहुत ही क्यूट एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विवेक शाहू, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या है, हाय हाउ आर यू, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो उन्होंने और भी क्वेश्चंस क्या है, हमारा खरगोश अपना बच्चा खा रहा है, क्या करना चाहिए। तो अगर कोई मादर रैबिट अपने बच्चे को खाती है तो बच्चे को और माँ को अलग अलग रखना होगा, यही एक ही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी रैबिट केयर, रैबिट का रंगीन बच्चे कैसे लाए, तो बहुत ही सिंपल है, मिक्स कलर की रैबिट के साथ फीमेल को ब्रीडिंग करवाना होगा, तब आपको वेराइटीज कलर का बच्चे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द टाइम विथ समथिंग, आपके पास कितने रैबिट है प्लीज़ रिप्लाई संडे कमेंट बॉक्स। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल एडल्ट और बच्चे मिलके मेरे पास टोटली 20 रैबिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट होम, कौन से ग्रास खिलाना पड़ेगा, मतलब रैबिट को कौन सा ग्रास खिलाना पड़ेगा। तो आप धुबा ग्रास दे सकते हैं, तिमोती ग्रास दे सकते हैं, मेडाउ ग्रास दे सकते हैं, अल्फा अल्फा जो ग्रास है वो भी आप दे सकते हैं, और व्हाइट ग्रास दे सकते हैं। तो कैसे घर पर ही व्हाइट ग्रास उगाना चाहिए अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FMG गेमिंग, रैबिट के बच्चों को ग्रास खिलाना चाहिए या नहीं और कब खिलानी चाहिए प्लीज़ रिप्लाई इन संडे कमेंट बॉक्स। तो रैबिट के बच्चों को ग्रास खिलाना चाहिए और जब उसका एज 15 दिन हो जाते हैं तब से आप ग्रास खिलाना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति एंड श्रेया, उन्होंने एक साथ 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस किया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस किया है वो क्या है, गिनी पिग के ऊपर, तो रैबिट गिनी पिग को एक साथ रख सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है क्योंकि रैबिट की तुलनाओं में गिनी पिग बहुत ही छोटा होता है, सो नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैबिट को एक दिन में कितनी बार खाना देना चाहिए, 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपके पास कितने रैबिट है, तो इस वक्त मेरे पास 20 रैबिट्स है, और आपके पास कितना गिनी पिग है, तो मेरे पास 4 गिनी पिग है। गिनी पिग को एक दिन में कितने बार खाना देना चाहिए, 2 से 3 बार ही देना चाहिए। रैबिट और गिनी पिग सेम ही है, खाना पीना भी एक्चुअली सेम ही होता है, जस्ट जो गिनी पिग है उनको विटामिन सी की ज़रूरत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हफीजुर आरजे किंग, भाई मेरा खरगोश सेल करना है, तो सेल करना है सेल करो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीत यादव, सर कच्चा आलू खिला सकते हैं अपने रैबिट को प्लीज़ रिप्लाई, चाहे वो कच्चा हो या आप पकाया हो, रैबिट को आलू नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो आलू है उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट रहता है, सो रैबिट के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KBZ, मुझे रैबिट के नाखून लग के ब्लड निकला तो क्या काटे प्लीज़ रिप्लाई, मतलब क्या करे प्लीज़ रिप्लाई। तो रैबिट काटने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप उस जगह को अच्छी तरह वॉश कीजिए और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप मक्कल, है कैसे बनाए प्लीज़ आंसर मी संडे कमेंट बॉक्स प्लीज़। तो है बनाना बहुत ही आसान है, जो आप ग्रास वगैरह रैबिट को देते हैं उसको सिर्फ धूप में सुखाना है और 1 या 2 दिन बाद वो है बन जाएगा और वो आप अपने रैबिट को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MD अरमान अली,
सर मुझे खरगोश बेचना है तो मैं उनको क्या करूँ? तो बेचना है तो बेचो, मार्केट में बेच सकते हो या ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। अगर आप इंडिया से बाहर है तो OLX पर भी ऐड दे सकते हो, फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रैबिट है, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशरफ सोनी भाई, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि रैबिट का बच्चा गिरा सकूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो एक्चुअली बहुत ही गलत बात है, अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो आप क्यों ब्रीडिंग करवाते हैं? ब्रीडिंग करवाना बंद कीजिए, बच्चे आपको नहीं मिलेगा और रैबिट भी हेल्दी रहेगा। लेकिन जो आप करना चाहते हैं वो गलत है, रैबिट के बच्चे को गिराना नहीं चाहिए, आपको पाप लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उमेश कोठारे भाई, मेरा एक फीमेल रैबिट मुझसे डरता है और मुझसे नाखून मरता है, प्लीज़ रिप्लाई संडे कमेंट बॉक्स। तो देखिए, मेरे पास जितने भी रैबिट है वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उन लोगों को प्यार करता हूँ, मेरे से कभी डरता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ उन लोगों का एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले आप अपने रैबिट के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंस बर्नवाल 8 समथिंग, मेरा खरगोश 10 बच्चे दिया, उसमें से 5 बच्चे मर गया, और उसमें से 5 बच्चे मर गया थे उसी टाइम। तो अगर रैबिट के बच्चे का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाते हैं तो बच्चे का मोर्टलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप मेल फीमेल को पास रखते हैं प्रेगनेंट के द्वारा, तो जो फीमेल रैबिट है वो मरा हुआ बच्चा भी जन्म दे सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है वो क्या है, दोगालू बोरो, क्या हम रैबिट को गन्ना का पत्ता खिला सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो गन्ने का पत्ता होता है उस पत्ते का दोनों साइड में एक्चुअली कुछ ऐसा रहता है जो बहुत थरीलू होता है, जो रैबिट को चोट पहुँचा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्याम कुमार सर, अगर खरगोश को कुत्ता काट ले तो क्या उसके नाखून से हम इंसान को भी कोई दिक्कत हो सकता है? हो सकता क्या, अगर कोई खरगोश को कुत्ता काट लिया है और उसका नाखून से मुझे वो मेरा हाथों को नोच लिया है, तो क्या मुझे कोई दिक्कत हो सकता है? क्या प्लीज़ रिप्लाई। नो, व्हाट आर यू डूइंग? तो एक्चुअली जिस रैबिट को कुत्ते ने काट लिया, अगर उसी रैबिट किसी को काटते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, और भी कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो यही था कुछ क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चंस का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है रैबिट के बारे में या गिनी पिग के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपका हेल्प करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो के साथ, खुश रहे, मस्त रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहे। खुदा हाफिज़।